हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे वापस और एक वीडियो लेके आप लोगों के सामने। तो आज जो वीडियो है ये कुछ अजीब व गरीब जगह में आ गया हूँ। मैं एक्चुअली आया था यहाँ पे थोड़ा काम से, तो उसके बाद मैं एक एड्रेस ढूंढ रहा था। एड्रेस ढूंढते ढूंढते गूगल मैप में एड्रेस ढूंढते ढूंढते एड्रेस तो मिला, लेकिन उसके बाजू में मुझे एक पार्क दिखाई दिया लोकेशन में, मैप में। तो मैंने सोचा अभी यहाँ आए तो जरा होके आऊँ, शायद कैसा पार्क है देखूँ। तो मैं जब यहाँ आया और आने के बाद मुझे दिखाई दिया यहाँ कोई पार्क वार्क नहीं है, ये तो एक नदी है जो पीछे देखिए मेरे, और यहाँ पे बहुत गंदगी मचा हुआ है, आप देखिए ये देख सकते हैं। और नदी का हालत भी बहुत ख़राब है, और आपको दिखाता हूँ। रुकिए, एकदम सुनसान सा जगह मैप में तो दिखाया था, बहुत ही सुंदर सा, मैंने पिक्चर नहीं देखी एक्चुअली, और मैं बस चल पड़ा। यहाँ पे देखिए आप आगे जो पहाड़ देख रहे हैं वो मुमरा है, तो मैं समझ गया मैं अभी यहाँ कहाँ पे हूँ। अननोन जगह एकदम मेरे लिए, ये देखिए गांव गांव है। तो आया तो था थोड़ा अच्छा जगह, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, अभी आया तो वीडियो तो बनाना ही पड़ेगा दोस्त आप लोगों के लिए थोड़ा सा। तो ये है एक और एक नज़ारा मुंबई का, और मुझे लगता है यहाँ पे लोग अस्थियाँ बहाने आते हैं। आप देखिए यहाँ पे बहुत सारा कचरा, ये सब देख सकते हैं। और आप देखिए सामने वहाँ पे मछुआरे मछलियाँ पकड़ते हुए, और कुछ कुछ लोग भी आए हैं यहाँ पे घूमने के लिए। घूमने का तो जगह है ही, तो जैसे कि गूगल मैप में जैसा दिखाया था वैसा बिल्कुल भी नहीं है, तो वही देख के लोग आए होंगे यहाँ पे, जैसा मैं भी आ गया। तो मौसम तो क्लियर है, तो फिर भी दोस्तों आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है। देखिए नदी कितना गंदगी करके रखा हुआ है, आप वहाँ पर देखिए। अब क्या बोलो दोस्तों, यहाँ पर आए तो वीडियो बना ही दिया, चलो ठीक है। और वहाँ पे बड़े बड़े नौकाएं हैं जो मछलियाँ पकड़ते हैं, ऐसा लग रहा है। डिसअपॉइंट। जो थाने शहर पे रहता है मैं उसके लिए कहता हूँ कि ये जो नदी है यहाँ पे अस्थियाँ बहाता है, तो अस्थियाँ बहाने के लिए यहीं आते हैं। तो मुझे यही दिखाई दे रहा है यहाँ पे अस्थियाँ ही अस्थियाँ दुनिया भर का यहाँ पे कचरा। तो शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, तो ये कोलशेड रोड पे जो एंड रोड है, एकदम कोलशेड रोड से सीधा सीधा एयरफोर्स के जो रास्ता है उधर से आप सीधा आएंगे तो यहाँ पे आप निकल जाएंगे, और अस्थियाँ बहाने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़े, यहीं आइए, क्योंकि लोग यहीं अस्थियाँ बहाते हैं। और मेरे सामने दो तीन लोग अस्थियाँ बहा के गए, तो ये कोई पार्क वार्क नहीं है। फिर भी मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ मुझे नहीं मालूम, तो फिर भी नज़ारा थोड़ा ठीक ही है, ठीक ठाक। अगर साफ सुथरा होता था तो सुंदर होता था। लोग मछलियाँ पकड़ते हैं यहाँ पे, बहुत सारा बोट्स दिख रहे हैं मुझे। उस झाड़ी की तरफ कुछ गांव है, और वो बिल्डिंग जो दिख रहे हैं वो हीरा नंदानी, और वो जो पहाड़ दिख रहे हैं आपको वहाँ पे मेरे उंगली के पॉइंट की तरफ, वहाँ पे एक्चुअली रेत निकालने का काम होता है, रेती निकालते हैं वहाँ से, तो उसे रेती बंदर कहते हैं। तो उस तरफ जो है रेत निकालते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं वहाँ पे, और उस तरफ तो मुझे नहीं मालूम। और जैसे कि आप वो पहाड़ देख रहे हैं, उस पहाड़ पे एक देवी का मंदिर है जो एकदम टॉप में है, एकदम टॉप में, तो एक दिन कवर करूंगा ज़रूर। वैसे लोग तो बहुत आ रहे हैं यहाँ पे, बाइकर्स लोग, कोई बियर पी रहे, कोई सुट्टा, कोई अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आए हैं, और मैं अपनी धन्नू को।
दोस्तों, अगर आप लोग कभी भी गूगल मैप में या कुछ भी सर्च करता है प्लेस के बारे में, जगह के बारे में, तो उस जगह की इमेज जरूर देख लीजिए, नहीं तो मेरे जैसा हो जाएगा जो आज हुआ मेरे से। गार्डन बताकर मुझे कहीं कचरे में ला दिया, तो आप लोग भी कहेंगे क्या कचरा वाला वीडियो दिखा रहे हैं। तो बस कीड़ा यूट्यूब का वीडियोस बनाने का, तो पहले सर्च कीजिए और उसके बाद ही जगह पे आइए। लेकिन मुझे नहीं लगता ये घूमने लायक जगह है, लेकिन गूगल मैप में जो दिखाया था वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, अभी ख़त्म करता हूँ यहाँ पे। और चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में अच्छी वाली जगह में लेके चलते हैं, और तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।